जिस बात का डर था उसके संकेत मिलने लगे हैं। एक नए विश्व युद्ध को झेलने से जहां दुनिया कतरा रही है, वहीं पूरे मिडिल ईस्ट में अब अलर्ट जारी है। हर देश इसराइल और ईरान के बीच संभावित जंग को रोकने के तौर तरीके ज़रूर अपना रहा है, लेकिन शायद खामेनेई ने इसराइल की बर्बादी की ठान ली है। ईरान ने इसराइल की 26 अक्टूबर वाली जवाबी कार्यवाही को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। ये प्रस्ताव पारित होते ही अब घड़ी की सुइयां गिनी जा रही हैं। इसराइल के खिलाफ हमले को मंजूरी दे दी गई है और इसे लेकर ईरान के एक सांसद ने बयान भी जारी किया है। इसके बाद से सभी की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या हमला 1 अक्टूबर वाली हमले की तरह ही होगा या फिर उससे भी खतरनाक और भीषण होगा, क्योंकि ईरान इसराइल को किसी भी प्रकार से बख्शने के मूड में नहीं है। आपको बता दें, इसराइल ने 25 अक्टूबर की रात को ईरान पर हवाई हमला बोल दिया था। इसराइल के 100 लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में घुसे और ताबड़तोड़ बमबारी की। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हो गए थे। इस आक्रमण के बाद ईरान ने भी तेवर तेज कर दिए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि ईरान के संबंध में इसराइल गलत अनुमान लगा रहा है। उन्होंने कहा कि वो ईरान को नहीं जानते, वो अभी भी ईरान के लोगों की ताकत, दृढ़ संकल्प को सही ढंग से समझ नहीं पाए हैं। खामेनेई ने कहा कि हमारे अधिकारियों को ये आकलन करना चाहिए और ठीक से समझना चाहिए कि अब दुश्मन को ईरानी लोगों की ताकत दिखाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। वहीं ईरानी सांसद और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य अहमद अज़ाम ने इसराइली हमलों पर टिप्पणी करते हुए कहा, हमें अपना बचाव करने का अधिकार है और हम सही समय पर जवाब देंगे। हालांकि हम एक प्रमुख सिद्धांत का पालन करेंगे, हम झिझक या जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। कुल मिलाकर इसराइल ने ईरान को कमजोर करने में कोई रियायत नहीं बरती है। साथ ही दावा किया गया कि सारे हमलों को अंजाम देने के बाद उसके सारे विमान सुरक्षित लौट आए हैं। इस इसराइली हमले के बाद अब शायद बारी ईरान की है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई बौखला गए हैं। पहले ही खामेनेई ने चेता दिया था कि इसराइल मिसाइल हमलों का जवाब देने की गलती ना करे, लेकिन इसराइल ने हमला कर दिया और अब ईरान पलटवार कर सकता है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरिफ ने एक्स पर पोस्ट किया कि ईरान की ताकत हमारे दुश्मन को नीचा दिखाएगी और कमजोर कर देगी। आपको बता दें, इस तरह से इसराइल के साथ ईरान की जंग अब एक नए मोड़ पर है, क्योंकि उसके एक एक करके सारे मोहरे पिटते जा रहे हैं। ईरान का मोहरा हमास पिट चुका है और कमजोर हो चुका है। ईरान का दूसरा मोहरा हिजबुल्ला पूरी तरह से टूट चुका है और सीरिया से ईरान को कोई खास मदद मिलती नजर नहीं आती है। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि वो इसराइल के साथ सीधी जंग लड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति पेजेशकियान ने इसराइल को वो शर्त भी बता दी है जिससे ईरान का गुस्सा कम हो सकता है। राष्ट्रपति पेजेशकियान ने अपने बयान के जरिए संकेत दिया कि ईरान इसराइल के साथ जंग को नहीं चाहता, बल्कि वो लेबनान और गाजा में युद्ध विराम चाहता है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने कहा कि अगर इसराइल अपने व्यवहार पर पुनः विचार करता है, युद्ध विराम स्वीकार करता है और क्षेत्र के मासूम पीड़ितों का नरसंहार रोकता है, तो इससे ईरान की प्रतिक्रिया की तीव्रता और प्रकार पर असर पड़ सकता है। पेजेशकियान ने कहा कि ईरान की क्षेत्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ किसी भी आक्रमण को हम जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान अमेरिकी चुनाव से पहले इसराइल पर हमला कर सकता है, लिहाजा अगले 24 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इसराइल को करारा जवाब देने की कसम खाई हुई है। खामेनेई ने कहा कि हमारे दुश्मनों अमेरिका और यहूदी प्रशासन दोनों को पता होना चाहिए कि उन्होंने ईरान और रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ जो किया है उसका उन्हें करारा जवाब जरूर मिलेगा। सुप्रीम लीडर ने यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था। वहीं इस पर इसराइल ने भी ईरान को चेतावनी दी है कि अगर अब तेहरान ने अपनी गलती दोहराई तो वो उन ठिकानों को निशाना बनाएंगे जिसे 26 अक्टूबर के हमले में जान मूझ कर छोड़ा गया था। दरअसल इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे इस मामले में अमेरिका का साथ नहीं मिला, जिसके बाद उसने ईरान के मिलिट्री ठिकानों को ही टारगेट कर दिया। इस जंग में अमेरिका इसराइल के साथ है और ईरान को किसी भी हमले को लेकर चेतावनी दी हुई है। इसी बीच अब ईरान और अमेरिका के बीच तकरार भरने की एक और खबर सामने आई है। अमेरिका ने ईरान पर उसके नागरिक को हिरासत में रखने का आरोप लगाया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने रविवार को दावा किया, एक ईरानी अमेरिकी पत्रकार जो कभी अमेरिकी सरकार द्वारा फंडेड ब्रॉडकास्ट के लिए काम करता था, उसको ईरान ने कई महीनों से बंदी बनाकर रखा हुआ है। रेजा वलीजादेह की कथित कैद की खबर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई द्वारा इसराइल और अमेरिका को धमकी देने के बाद आई है।
वलिजा दह ने रेडियो फर्दा के लिए काम किया है, जो रेडियो फ्री यूरोप रेडियो लिबर्टी के अंतर्गत एक आउटलेट है, जिसकी देखरेख अमेरिकी एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया द्वारा की जाती है। उनके संदेश के अनुसार उन्होंने कहा कि मैं 6 मार्च 2024 को तेहरान पहुंचा था। उससे पहले मेरी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के खुफिया विभाग के साथ अधूरी बातचीत हुई थी। आखिरकार मैं 13 साल बाद बिना किसी सुरक्षा गारंटी के, यहां तक कि मौखिक गारंटी के बिना ही अपने देश वापस आ गया हूं। आपको बता दें, कई हफ्तों से अफवाहें चल रही थी कि वलिजा दह को ईरानी सरकार ने हिरासत में लिया हुआ है, लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी जो ईरान के मामलों पर नजर रखती है, उसने कहा कि पत्रकार को देश में आते ही हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया था। इसी बीच इजरायली सेना ने बताया कि उसने सीरिया में जमीनी हमला करके ईरान से जुड़े सीरियाई नागरिक को पकड़ा है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध में ऐसा पहली बार हुआ है जब इजरायल ने सीरिया में अपने सैनिक भेजने की जानकारी दी है। हालांकि अभी सीरिया ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बता दें कि इजरायल ने लेबनानी समूह हिजबुल्ला के सदस्यों और ईरान के अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए बीते एक साल में सीरिया में कई बार हमले किए हैं। इजरायली सेना ने जारी बयान में ये नहीं बताया कि उसने सीरिया में कब और कहां हमला किया है। इजरायल के अनुसार पकड़े गए व्यक्ति की पहचान अली सुलेमान अलसी के रूप में हुई है। वो दक्षिणी सीरिया के सेदा में रहता है और कई महीनों से वो इजरायल पर नजर रख रहा था। सेना ने बताया कि वो सीरिया की सीमा के पास इसराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स के इलाकों को निशाना बनाने की ईरान की योजना में भी शामिल था। इसराइल और ईरान, ये दोनों ही देश लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। अब जानते हैं कि आखिर ये देश कितने ताकतवर हैं। पहले ईरान की बात करते हैं, जिसकी आबादी 9 करोड़ के आसपास है। ईरान की कुल GDP $413 बिलियन है। ईरान का रक्षा बजट $7.4 मिलियन है, जो GDP के मुकाबले 2% के आसपास बैठता है। ईरान दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है और मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी सैन्य ताकत। उसकी सेना में 5,80,000 सैनिक हैं और 2,00,000 के आसपास रिजर्व फोर्स हैं। दोनों को मिलाकर कुल सैनिकों की संख्या 7,80,000 के आसपास बैठती है। अमेरिकी खुफिया निदेशालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के पास सेजिल नाम की मिसाइल है, जो 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2500 किलोमीटर तक जा सकती है। इसी तरह खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। ईरान के पास KH-55 जैसी क्रूज मिसाइल भी है और दावा किया जाता है कि ये परमाणु क्षमता से लैस है। अपने साथ 300 किलोमीटर तक परमाणु हथियार ले जा सकती है। ईरान ने इस बार इसराइल पर जिन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है, उसे पिछले साल जून में ही दुनिया के सामने रखा गया था। ये साउंड की स्पीड के मुकाबले 5 गुना तेजी से चलती हैं और इनको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में ड्रोन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ईरान के पास 273 फाइटर जेट और लड़ाकू एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा 50 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और 240 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, 1783 टैंक और 572 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इसराइल के मुकाबले ईरान की नौसेना आधुनिक नहीं है, लेकिन उनके पास 220 के आसपास जहाज हैं, जबकि इसराइल के पास 60 जहाज ही हैं। अब बात करें अगर इसराइल की ताकत की, तो इसराइली आर्मी दुनिया की 20वीं सबसे ताकतवर आर्मी है। इसराइली सेना में 1,69,500 एक्टिव सैनिक हैं, तो 4,65,000 रिजर्व यूनिट में, कुल मिलाकर 6,34,500 सैनिक हैं। सैनिकों के मामले में वो ईरान से पीछे हैं। इसराइल का डिफेंस बजट ईरान के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है। इसराइल के डिफेंस सिस्टम और हथियारों की बात करें, तो आयरन डॉम और डेविड स्लिंग्स जैसे एयर डिफेंस सिस्टम उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो लॉन्ग रेंज से लेकर छोटी दूरी की मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही मार गिराते हैं। इसके अलावा इसराइल के पास 1200 से अधिक तोपखाने, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और स्मार्ट बम जैसे हथियार भी हैं। इसराइली आर्मी के पास कम से कम 241 लड़ाकू जेट, 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर और 2200 के आसपास टैंक हैं। नेवी की बात करें, तो इसराइल के पास कम से कम 7 युद्धपोत और 6 पनडुब्बियां हैं, जो परमाणु हथियार ले जाने और लॉन्च करने में सक्षम हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद इसराइल की सबसे बड़ी ताकत है, जो अपने टारगेट को चुन चुन कर खत्म करने के लिए विख्यात है। इसके अलावा इसराइल के पास कम से कम 1 दर्जन परमाणु हथियार हैं। हालांकि इसराइल ने कभी खुलकर नहीं माना है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक ने इसकी पुष्टि की है। तो इस तरह से दोनों ही देश अपनी अपनी जगह बहुत ताकतवर हैं और इसलिए एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ईरान जो हमले की तैयारी कर रहा है, वो कितना भयंकर होने वाला है और उससे इसराइल में कितनी तबाही मचेगी।
आप इस युद्ध को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।